नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विजिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजित त्रिपाठी। दोस्तों आज के समय में किसी भी व्यक्ति के लोन में गारंटर बनना सबसे बड़ा अपराध है। अगर आप किसी व्यक्ति की गारंटी दे रहे हैं, चाहे वो आपके घर का कोई सदस्य क्यों ना हो, चाहे वो आपका दोस्त क्यों ना हो, चाहे वो आपका पड़ोसी क्यों ना हो, चाहे वो आपका रिश्तेदार ही क्यों ना हो, अगर आप गारंटी दे रहे हैं उसके लोन में, तो ये आपका सबसे बड़ा रिस्क है। अगर आप गारंटी दे रहे हैं तो आप सोच समझ के गारंटी दीजिए, अन्यथा इसका जो दुष्परिणाम है वो आपको भुगतना पड़ेगा। आज हम एक इंस्टेंट एक घटना आपको हम बताते हैं, जहां पर एक व्यक्ति ने मानवीय आधार पर सहायता करने के लिए एक व्यक्ति की गारंटी दी और बदले में उसको क्या मिला, धोखा मिला। बदले में उसको उसका जो प्रॉपर्टी था उसको गंवा करके ही चैन मिला, या फिर चुकानी पड़ी इतनी बड़ी, जो धोखा था उसके साथ धोखा हुआ, कुछ भी कह ले, फरेब हुआ उसके साथ। एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने मित्र की मित्रता में उनके होम लोन में गारंटी दी और बैंक से तकरीबन 50 लाख रुपए का लोन दिलाया गया। अब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में लोन तो दिला दिया गया और पता चला कि वह होम लोन नहीं था, वह बिजनेस लोन था। जैसे तैसे बैंक के साथ मिल करके उस बॉरोअर ने पहले तो अपने दोस्त को ठगा और उसके बाद बैंक से सांठगांठ करके किसी तरीके से वह रातों रात रफू चक्कर हो गया। और अब जब बैंक को पता चला कि भाई जो बॉरोअर है वो भाग चुका है, अब वो सीधे गारंटर को पकड़ता है। सीधे सीधे घटना हम बता रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आप लोग ने देखा ही होगा कि जब भी आप किसी व्यक्ति की गारंटी देते हैं तो बैंक गारंटर को ही पकड़ता है। गारंटर को इसलिए पकड़ता है क्योंकि वह जब गारंटर को पकड़ेगा तो गारंटर बॉरोअर को पकड़ेगा और फिर बैंक का पैसा मिलेगा। तो उस भाई साहब ने अपने दोस्त की मदद करने के लिए लोन में गारंटर बन तो गए, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने दोस्त को धोखा दे दिया और रातों रात वहाँ से रफू चक्कर हो गया, क्योंकि उस व्यक्ति के पास अपना कोई भी प्रॉपर्टी नहीं था, वह किराए के मकान पर रहता था और बहुत सालों से उस गारंटर को जानता था। लेकिन यहाँ पर गारंटर ने दोस्ती के लिए, मानवता के लिए, मदद करने के लिए गारंटी दी थी और जब वह एनपी हो गया तो वह रातों रात भाग गया। अब बैंक ने गारंटर के प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए डिमांड नोटिस, लीगल नोटिस, रिकवरी एजेंट भेजने शुरू कर दिए। अब गारंटर ने बॉरोअर को ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि बॉरोअर का मोबाइल स्विच ऑफ है और वो पूरे परिवार समेत गायब हो गया है। अब बेचारा गारंटर दर दर भटक रहा था और बैंक ने उसके प्रॉपर्टी को सीज कर दिया। सरफेसी अधिनियम के तहत 13(2), 13(4) और सेक्शन 14 का पूरा कार्रवाई कर दिया। और ऐसे कंडीशन में बैंक ने उस व्यक्ति की, जो गारंटर था, उसकी प्रॉपर्टी को नीलाम कर दिया और बाकी के बचे पैसे के लिए फिर उनके ऊपर DRT में केस फाइल कर दिया। आज हमारे पास केस आया और यहाँ पर सीधे सीधे उन्होंने बताया कि बैंक ने हमारे खिलाफ इलाहाबाद DRT में उन्होंने उनके खिलाफ OA फाइल किया है, जिसका कि समन उनको आया हुआ है और उन्होंने हमें अपनी पूरी की पूरी स्टोरी बताई और स्टोरी बताते बताते बेचारे रोने लगे। उन्होंने कहा कि सर, मैंने एक रुपया भी नहीं लिया है, हमने तो बस मदद करने के लिए उस व्यक्ति की गारंटी दी थी और हमें ये नहीं पता था कि वो व्यक्ति रातों रात गायब हो जाएगा और साथ ही साथ हमें अपना मकान बेच करके ये कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्ती की कीमत हमने ये चुकाई है कि इन्हें अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी, हमें बैंक के माध्यम से हमारी प्रॉपर्टी चली गई, जिस प्रॉपर्टी को मैंने पिछले 20 सालों की मेहनत से बनाई थी। तो कहने का मतलब यही है कि अभी उनके खिलाफ बैंक ने रिकवरी सूट फाइल किया हुआ है, OA फाइल किया हुआ है DRT में और उनकी डेट है 10 अक्टूबर को।
तो यहाँ पर फिर बैंक उनसे जो पैसा बचा हुआ है उसकी रिकवरी के लिए उनसे फाइट करेगा, उनसे पैसा वसूली के लिए उन पर केस फाइल किया हुआ है। अब इनको अपना जवाब दाखिल करना है, रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल करना है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आज का जो समय है, किसी के भी लोन में अगर आप गारंटर बनना चाहते हैं तो बहुत ही सोच समझ करके बनिए। कोई भी अपना नहीं है लोन में गारंटी दिलवाने के लिए, लोग न जाने किस हद तक आपसे मदद मांगते हैं, किस हद तक वो गुजर जाते हैं, किस हद तक वो गिर जाते हैं, वो आपके पैर पकड़ लेंगे, ऐसी ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें आपको बता देंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे व्यूवर, जो भी मेरे YouTube के फैमिली मेम्बर हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूं कि किसी के भी लोन में आप गारंटर मत बनिए, क्योंकि आने वाले समय में अगर वो डिफ़ॉल्ट कर देता है, और ऐसा नहीं है कि लोन लिया है तो डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, उसके पास भी कोई न कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। तो जब ये प्रॉब्लम आएगी तो बैंक डायरेक्ट गारंटर को ही पकड़ेगा, बैंक आपको ही पकड़ेगा, उसको नहीं पकड़ेगा। तो आप हमेशा सोच समझ करके अपने विवेक से, अपने विजडम से, अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए, आंखों खोलिए, कानों खोलिए, आप किसी भी व्यक्ति के लोन में गारंटर मत बनिए, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे, आपका भी सिविल डाउन होगा, आपको रिकवरी एजेंट परेशान करेगा, आपका प्रॉपर्टी भी चला जाएगा, और बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो सोच समझ करके किसी भी व्यक्ति के लोन में गारंटर बनिए, अन्यथा अगर आप गारंटर बनेंगे तो पूरा रिस्क आपका होगा, सामने वाला बच जाएगा, उसके ऊपर बैंक कोई एक्शन नहीं लेगा और आप दर दर भटकते रहेंगे। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आएगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में और रिश्तेदार में शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखें। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।